Hello students, I am Anju Sangwan and you are most welcome on my channel New Era Maths Classes. आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बी ए बी एस सी मैथ्स जो एलजेब्रा और सेमेस्टर हमारा फर्स्ट रहेगा ये. तो यहाँ पर आपके पास एलजेब्रा का सिलेबस बता देते हैं पहले कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन कौन से आप स्किप भी कर सकते हो. तो पहले यूनिट आपके पास बन रही है, पहला चैप्टर है मैट्रिसेस, सेकेंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स. इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपके पास एक यूनिट बनती है. दिस इज यूनिट फर्स्ट. ओके, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस एंड बायलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स. यहाँ तक आपके पास बनता है सेकेंड यूनिट. तो ये आ जाता है आपके पास फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. दिस इज यूनिट सेकेंड. ठीक है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सेवेंथ एंड एट चैप्टर. दो चैप्टर्स की बनती है आपके पास यूनिट थर्ड. एंड लास्ट में सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस. दो चैप्टर्स को मिला के आपके पास बनती है यूनिट फोर्थ. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चार यूनिट बन जाती हैं. यहाँ से जो फर्स्ट यूनिट है आपके पास तीन चैप्टर्स इंक्लूड है इसके अंदर. तो क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं, एक यूनिट में से दो क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट के दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट एंड बी पार्ट, सेम टू सेम. इसके भी आपके पास दो पार्ट होते हैं. तो दो क्वेश्चन आपके पास बनेंगे एक यूनिट में से, और एक यूनिट में से तीन चैप्टर्स में से आपके पास चार क्वेश्चन होंगे टोटल. देखें तो एक पार्ट के दो एंड दो पार्ट सेकेंड क्वेश्चन के भी दो क्वेश्चन, तो टोटल चार क्वेश्चन होंगे. तो तीन चैप्टर्स में से आपके पास चार क्वेश्चन उठाए जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मैट्रिसेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन या फिर यहाँ पे और में दिया जाता है, या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए या आप सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है. या तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन करो, फर्स्ट के दोनों पार्ट करो, या फिर सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करो. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट आप फर्स्ट का कर देते हो, एक सेकंड का कर देते हो. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप दो चैप्टर अच्छे से कर लेते हो. आप थर्ड को स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट यूनिट में तीन चैप्टर इंक्लूड है, यहाँ से भी आप दो चैप्टर कर सकते हो, चैप्टर फोर्थ एंड चैप्टर फिफ्थ. यहाँ से भी सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के दो दो पार्ट बनेंगे. तो दो क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाता है. यूनिट थर्ड में से सेवन्थ एंड एट्थ में से आप सेवन अच्छे से कर लीजिए, आप एट्थ को स्किप कर सकते हैं. यूनिट फोर में से नाइन चैप्टर अगर आप कर सकते हैं इजीली, अच्छे से कर रहा है नाइन चैप्टर. और टेंथ चैप्टर इजी सा है, छोटा सा है, डिस्कार्ड्स रोल ऑफ साइन, बहुत ईजी है, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, पूरे सिलेबस में से थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ, इन तीन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो. बट जो इसके बाद हमारे पास आते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट दे दिए जाते हैं, शायद छः सात पार्ट आते हैं. तो वहाँ उसके लिए दो दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ में से इसका कुछ बेसिक से चीज़ें करवा दी जाएंगी जिससे आप दो नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो. तो ये है आपके पास सिलेबस एलजेब्रा का. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर. मैट्रिसेस आप प्लस टू में कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशंस वगैरह, तो इसमें चैप्टर करने में ईजी हो जाएगा. मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है. अगर आपको मान नंबर दे दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, अब हमने कहा कि इन नंबर को हमें अरेंज करना है, या तो रो में अरेंज करो या कॉलम में अरेंज करो, या रो कितनी बनाओ कितने कॉलम बनाओ. तो जितने बनते हो उतने देखते हैं. कंडीशन क्या होनी चाहिए, जितनी भी आप रो बनाते हो, जितनी रो बनाते हो उन सेम नंबर हर एक कॉलम में, जो मान लो कि आपने तीन रो बनाई तो हर एक के कॉलम में सेम नंबर होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने इन नंबर को अरेंज कर दिया. दस तीन रो बना दी हमने 1, 2, 3 और दो कॉलम बना दिए. हर एक रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने इस फर्स्ट रो में सिर्फ 1 लिख दिया, 2 को हटा दिया. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए. और इसको बंद करना है आपको क्लोज्ड ब्रैकेट. ये आपके पास होती है मैट्रिक्स. तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे,
a set of m into n numbers. Arranged in the form of m rows. m into n number आपके पास given है, ठीक है? आपके पास m rows बना दी हमने. जैसे हमने अभी example लिया था, हमने तीन row बनाई थी, यहाँ पे हमने m rows बना दी. And each row consisting same number of element, ठीक है? तो इसके जो आपके पास बनेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बताया था a11 a12 up to so on a1n, मान लिया कि हमने हर एक रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं. वो हमने मान लिया कि हम n n नंबर ले रहे हैं. हमने m रो बनाई, कलेक्शन उठाई m n नंबर्स की, इसमें हमने m रो बनाई और n हर एक रो में n n नंबर है. सेकंड रो उठाई हमने, इसमें भी आपके पास n नंबर है, n नंबर तक, 1 से लेकर n नंबर तक जा रहा है. इस तरह से हमें रो कितनी बनानी है, m बनानी है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, am1 am2 up to so on am n, ये आपके पास बनती है मैट्रिक्स. और इसको क्लोज कर देते हैं हम क्लोज ब्रैकेट में. तो इसका ऑर्डर कैसे पता चलता है, ये होगी m क्रॉस n ऑर्डर की. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसमें रो, इसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलता है, कितनी रो है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें तीन रो है, 3 क्रॉस, कॉलम कितने हैं, 8 एंड 2, दो कॉलम है, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम देख रहे तो m इंडिकेट करता है रोज़ को और n इंडिकेट करता है कॉलम्स को, ठीक है? तो इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यानी कि जैसे हमने 3 क्रॉस 2 लगाया, 6 एलिमेंट्स का ये नंबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो ये होती है मैट्रिक्स की डेफिनेशन. नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. जैसे अभी हमने बताया कि ऑर्डर हमारा होता है m क्रॉस n. अब पूरा का पूरा मैटर इसी पे डिपेंड करता है, जितनी भी टाइप्स आएंगी आपके पास मैट्रिक्स की, ठीक है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में m और n इक्वल नहीं होते, यानी कि इसको रफ कर देते हैं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? नंबर ऑफ रोज अगर कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, फॉर एग्जांपल दिस, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m नॉट इक्वल टू n. m किसको इंडिकेट कर रहा था, रोज को, और n कॉलम्स को. तो m नॉट इक्वल टू n आ जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाएगा. जितने उसके अंदर रोज होंगे उतने आपके पास कॉलम्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर हम बना लेते हैं 1 2 3 4, अब देखिए दो रो हैं आपके पास और दो ही कॉलम है, तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2, ये m होता है हमारा, ये n को इंडिकेट करता है, तो m क्रॉस n यानी m इक्वल टू n आ जाएगा. इसके लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n. फिर आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज एक होने चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, मान लिया कि मैंने ये बना ली, तो इसमें एक ही रो है, कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम हमारे 5, ठीक है? तो इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे हम, 1 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ रोज इसमें एक होनी चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स की बात आती है तो कॉलम इसमें एक होना चाहिए, तो जैसे इसी की बना ले हम 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा. तो ये आ जाएगा आपके पास रो कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 रो होगी और कॉलम एक हो गया, तो ये आ जाएगा 5 क्रॉस 1 की, ये आ जाएगा आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स आगे सब में जाके यूज़ होनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
विच हैव नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है। यानी कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या मिलेगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, नॉन इसका एग्जांपल उठाएंगे, 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ये मैट्रिक्स हमारी है 3x3 की। हमने कहा कि डायगोनल कब बनेगी, सबसे पहले तो स्क्वायर होने चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, एम और एन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर हमने कहा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल हमारा ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज, ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, तो इसके अबव एंड अपर वाले जो एलिमेंट हैं वो हमारे ज़ीरो होने चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में इसकी जगह पे आप लिखोगे सीधा ही डायगोनल बना लो, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच हैज़ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नॉन जीरोज जो आपके पास जो डायगोनल वाले एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ गई तो सीधी सी बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये वाले नंबर एंट्री जो जीरो होंगी, और जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है इसके जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, वो बन जाती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट में आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके ए डायगोनल मैट्रिक्स के जो नंबर होते हैं अगर वो आपके पास 1 1 1 आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर की होगी। अगर मान लो आपको 2x2 की दिखानी है 0 0 1, ये आपके पास 2x2 की हो जाएगी। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, स्केलर का मतलब डायगोनल भी हो जाएगी, स्केलर का मतलब दोनों सेम होंगे, और जो आपके पास ये एंट्रीज हैं डायगोनल इसकी डायगोनल की जो एंट्रीज है दिस इज एंड दिस, ये 1 1 होना चाहिए, तो ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, और ए मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए आई जे, ए आई जे मतलब आई होता है रो, जे होता है कॉलम के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इज सेट टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ फर्स्ट आइदर एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इज ज़ीरो। ठीक है, और सेकंड, या तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, या फिर एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज ज़ीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कैसे बनाते हैं, 1 2 4, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, 0 0 0 3 6 7, हमने ये मैट्रिक्स बनाई 3x3 की, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो, या तो फर्स्ट कंडीशन की अबव द प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो 1 2 4 3 5 6
ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, या फिर प्रिंसिपल डायग्राम से नीचे का एलिमेंट जीरो आने चाहिए, तो वो बन जाती है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इस टाइप से ट्रायंगुलर टाइप हो जाती है ना, तो ये बन जाती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर में क्या आ जाएगा, इसको याद रखने के लिए आप उल्टा याद रखो कि अपर ट्रायंगुलर में लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं। ये आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है आपके पास, इससे ऊपर वाले जीरो होते हैं। अगर आपको याद ऐसे रखना है कि जीरो के हिसाब से याद रखोगे कि जीरो एलिमेंट कब बनेंगे अपर ट्रायंगुलर में, तो उल्टा हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और लोअर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स प्लस टू में भी कर चुके हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आता है सबको, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 4 6, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, 6 - 4 2 8, दिस इज -2। ठीक है, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये लिया, तो इसका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है आंसर, तो ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम, आगे के लेक्चर में इससे आगे की सारी थ्योरम्स को कवर करेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स की थ्योरम्स गिवन है। चलिए, तब तक इनको आप अच्छे से याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।